दिने राज काणे दा ते राती राज माणे दा। दोस्तों तुसीं इह कहावत तां सुनी होवेगी। इह कहावत महान राजे महाराजा रणजीत सिंह दे वेले दी है। इह किस्सा दसण तों पहला तुहानूं दस दईए कि रणजीत सिंह जी एक अख तो काणे सी। दोस्तों उस वेले महाराजा रणजीत सिंह दी नक विच एक आम जिहे लुटेरे ने दम करके रख दिता सी। उसदा नाम सी मान सिंह। मान सिंह दा उस समय इलाके विच पूरा खौफ सी अते उह इलाके च रह रहे लोकां नूं लुट के जंगल विच लुक जाया करदा सी। मान सिंह दे डर तो जंगल विच्चों लंघण तो भी लोग डरिया करते सी अते यही मुश्किल लै के लोग महाराजे अगे पहुंचे। महाराजा रणजीत सिंह जी भी मान सिंह तो अक चुके सी अते अंत उन्होंने सारे इलाके विच यह ऐलान करवा दिता कि जो भी मान सिंह नूं फड़ के मेरे को लै के आऊगा उसनू मैं कई पिंडा की जागीर दे देवांगा, जां कह लईए उपहार के रूप में उसनू जमीन दिती जाऊगी। यह गल चारे पासे फैल गई अते उड़दी उड़दी यह गल मान सिंह दे कन्ना विच भी जा बजी। मान सिंह भी अगों बहुत ही अणखी सी अते उसने भी सारे इलाके विच यह पोस्टर छपवा दिते कि जेड़ा भी मैनू फड़ूगा उसनू मैं सारा लाहौर ही दे देवांगा, यह तो फिर भी कई पिंडा की जागीर ही देणगे अते सारा लाहौर मैं उसके नाम कर देवांगा। यह खबर महाराजा तक भी पहुंची अते यह गल सुन के महाराजा नू बहुत गुस्सा आया अते वह सोचण लग गए कि इहो जिहा इहदे कोल की है जिहड़ा यह मैनू चैलेंज कर रहा है। उसे दिन महाराजा रणजीत सिंह ने मान सिंह नू सबक सिखाउण दा फैसला किया। उसे रात महाराज जी भेस बदल के अपने कुछ सिपाहियां समेत रात नू जंगल वल निकल गए। जंगल विच आखिर उन्हां दा सामना मान सिंह दे नाल हो ही गया। तुहानू दस दईए कि महाराज जी नाल 8-9 सिपाही सी अते उधर मान सिंह दे नाल 40-50 सिपाहियां दी फौज सी। मान सिंह नू इह नहीं सी पता कि इह राजा है, उह उस नू भी डाकू लुटेरा ही समझ रिहा सी। महाराजे ने मान सिंह नूं कहा कि 40-50 बंदे लैके तां कोई भी जित सकदा है, सवाद तां तां आवे जे तू कल्ले नाल कल्ला टकरे। यह गल सुन के मान सिंह सोची पै गया अते आखिर उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली अते कल्ला ही लड़न लई आ गया। यही तो महाराजा रणजीत सिंह जी चाहते सी कि यह कल्ला आवे इहनूं फेर दसा। दोस्तों दोनों विच खूब लड़ाई हुई अते मान सिंह भी बड़ी बहादुरी दे नाल लड़िया। अंत च महाराजा रणजीत सिंह ने मान सिंह नूं हरा दिता अते उस तों बाद उन्होंने कहा कि लिया हुण दे मैनूं लाहौर, हराता तेनू, तू पोस्टर छपवाए सी ना कि मैनू हराउण वाले नू मैं लाहौर उपहार दे रूप विच देवांगा। जिस तों बाद मान सिंह सोची पै गया अते उसने कहा कि मैं अपनी जबान तो नहीं मुकरदा, मैं तेनू लाहौर जरूर देवांगा। पर उदो उसने मन विच ए भी सोचा कि उस एडे वड्डे महाराजे नू तां मुगल नहीं हरा सके, मैं किवें उस तों एडा वड्डा राज खोह के इस नू देवांगा। जिस तों बाद उसनू फड़ के उह अपने नाल ही लै गए अते अगली ही सवेर उसनू महाराज सामने पेश कीता गया अते उत्थे उसनू पता लग्गिया कि मेरा मुकाबला ही महाराजे दे नाल होया सी अते उत्थे महाराजे ने उसनू कहा कि तू मैनू लाहौर की देवेंगा, देख मैं तां आप ही लाहौर जित लिया। महाराजे ने कहा कि देख मैं तेरी हार दा ढंडोरा भी नहीं पिटवाउंदा, पर तू बंदा सही है, तू आह गलत रास्ते छड के सही कम्मां विच पै जा, जे लड़ना ही है तां खालसे दी चढ़दी कला लई लड़ अते सिखां दा नाम रोशन कर। जिस तों बाद मान सिंह प्रभावित हो के सारे गलत रास्ते छड गया अते बाद विच उस नूं हरी सिंह नलवे दे नाल जंगा विच भेज दिता गया अते अंत विच मान सिंह नलवे दे नाल ही एक लड़ाई विच लड़दे लड़दे शहीद हो गया। दोस्तों यह एक छोटा जिहा किस्सा सी अते तां ही उदों यह कहावत कही जांदी सी कि दिने राज काणे दा ते राती राज माणे दा। तुहानूं साडी इह वीडियो किवें लगी तुसीं सानूं लाइक शेयर अते कमेंट करके जरूर दसो। धन्नवाद।